हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल इकोनॉमिक्स फॉर यू में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक प्रकार से होंगे। इससे पहले हम उपभोक्ता के बारे में पढ़ चुके हैं और ये जान चुके हैं कि उपभोक्ता का संतुलन कैसे स्थापित होता है। उससे संबंधित हमने 6 वीडियो पहले डाले हैं, उनको आप देख सकते हैं। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम के निर्धारित अनुसार मांग की अवधारणा कंसेप्ट ऑफ डिमांड पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में हम मुख्य रूप से 6 टॉपिक्स पर बातचीत करेंगे। इसमें पहला होता है मांग और उसके निर्धारक तत्व अर्थात मीनिंग ऑफ डिमांड एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। दूसरा, मांग फलन की अवधारणा कंसेप्ट ऑफ डिमांड फंक्शन। नंबर 3, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग की अवधारणा कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। नंबर 4, व्यक्तिगत एवं बाजार मांग वक्र। नंबर 5, मांग का नियम लॉ ऑफ डिमांड। नंबर 6, मांग में परिवर्तन चेंज इन डिमांड। इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए आप वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक अवश्य देखें, तभी आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो पाएगा। आइए आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मांग क्या है और उसके निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। वास्तव में मांग एक ऐसी स्थिति को दर्शाती है जिसमें एक उपभोक्ता किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं को किसी वस्तु की कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है। द डिमांड फॉर एनीथिंग एट गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच वी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। अर्थात मांग से अभिप्राय एक वस्तु की उन सभी मात्राओं से होता है जिन्हें एक उपभोक्ता वस्तु की अलग अलग कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है। मांग को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर मेयर्स ने लिखा है कि किसी वस्तु की मांग किसी निश्चित समय में सभी संभव मूल्यों पर उस वस्तु की उन मात्राओं की सूची होती है जिन्हें खरीदने के लिए क्रेता तत्पर होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वस्तु की मांग एक वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं को दर्शाती है जिन्हें एक उपभोक्ता उसकी अलग अलग कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है। इस आधार पर हम मांग की 3 विशेषताएं बता सकते हैं। पहली विशेषता होती है मांग प्रभावपूर्ण इफेक्टिव डिजायर, प्रभावपूर्ण इच्छा होती है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति में इच्छा होनी चाहिए, इच्छा पूरी करने के लिए उसके पास साधन होने चाहिए और साधनों के साथ साथ उन साधनों का त्याग करने की तत्परता होनी चाहिए। यदि ये 3 विशेषताएं पाई जाएं, तभी उसे हम प्रभावपूर्ण इच्छा कहते हैं। दूसरी विशेषता होती है ये किसी दी हुई कीमत पर मांगी गई मात्रा को दर्शाती है। यदि वहां पर वस्तु की कीमत नहीं दी गई है तो उसे मांग नहीं माना जाएगा। तीसरी विशेषता होती है यह एक निश्चित समय अवधि से संबंधित होती है। यह समय अवधि प्रतिदिन हो सकती है, प्रति माह हो सकती है, अर्धवार्षिक हो सकती है, वार्षिक हो सकती है, कोई ना कोई एक निश्चित समय अवधि होनी चाहिए। अर्थात मांग के लिए इन 3 बातों का उसमें होना बहुत आवश्यक होता है। इन विशेषताओं और परिभाषाओं के आधार पर हम मांग के कुछ निर्धारक तत्वों को बता सकते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण होता है वस्तु की कीमत, अर्थात वस्तु की कीमत मांग को प्रभावित करती है। सामान्यतया यदि वस्तु की कीमत ऊंची होती है तो उपभोक्ता वस्तु की कम मांग करता है। वस्तु की कीमत घट जाती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की मांग को बढ़ा देता है। दूसरा होता है उपभोक्ता की आय, अर्थात इनकम ऑफ कंज्यूमर। उपभोक्ता की आय भी मांग को प्रभावित करती है और सामान्य रूप से यदि उपभोक्ता की आय अधिक होती है तो उसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की मांग अधिक की जाती है। इसी प्रकार से आय में यदि कमी हो जाती है तो उपभोक्ता वस्तु की मांग को भी घटा देता है। तीसरा तत्व होता है संबंधित वस्तुओं की कीमतें, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यहाँ पर हम 2 वस्तुओं पर बात करते हैं, पूरक वस्तुएं और प्रतिस्थापन वस्तुएं। सामान्यतः पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोक्ता उपभोग एक साथ करता है। वहीं प्रतिस्थापन वस्तुएं इस प्रकार की होती हैं जिनमें एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग करके उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को पूरा
कर सकता है। तो इन वस्तुओं की कीमतें भी उस वस्तु की मांग को प्रभावित करेंगी। नंबर चार होता है देश की जनसंख्या, जनसंख्या और उसका आकार। यदि जनसंख्या अधिक होती है तो उसके अनुसार वस्तुओं और सेवाओं की मांग भी बढ़ती जाती है। इसी प्रकार से यदि जनसंख्या की प्रकृति की बात करें, मान लीजिए देश में छोटे बच्चों की संख्या ज्यादा है तो उनसे संबंधित वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। यदि बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है तो उनके अनुसार वस्तुओं की मांग की जाएगी। पांचवा होता है राष्ट्रीय आय का वितरण। राष्ट्रीय आय का वितरण उत्पादन के साधनों या देश की जनसंख्या में किस प्रकार से हुआ है, वह भी वस्तुओं की मांग को प्रभावित करता है। यदि आय का वितरण समान होता है तो वस्तुओं की मांग भी अधिक होती है। इसके बाद बात करते हैं हम दूसरा, मांग फलन, डिमांड फंक्शन। मांग फलन वास्तव में एक वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा और उसे प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य गणितीय संबंध को दर्शाता है। फलन एक गणित का शब्द है जो कि इन दो राशियों के बीच में या दो से ज्यादा राशियों के बीच में संबंध को व्यक्त करता है। जब हम मांग फलन को गणितीय रूप में या फलनिक रूप में दर्शाते हैं तो हमारे पास आता है डी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स आई पी वाई टी और डैश डैश एटसेट्रा। इसका मतलब होता है कि वस्तु की मांग जिन जिन कारकों पर निर्भर करती है उन दोनों के संबंध को दर्शाने के लिए हम मांग फलन का प्रयोग करते हैं। इस समीकरण में आप देख रहे हैं Px बताता है जिस वस्तु का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसे हम x नाम दे रहे हैं, उस वस्तु की प्रति इकाई कीमत। F जैसे मैंने पहले बताया गणितीय शब्द है, इंजीनियरिंग अवधारणा है और यह एक फलन को व्यक्त करता है, यह विभिन्न चल राशियों के मध्य के संबंध को दर्शाता है। पीवाई अन्य संबंधित वस्तुएं, जैसा ही मैंने ऊपर बताया था कि पूरक और स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं की कीमतें भी मूल वस्तु की कीमत को प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पर पीवाई उन अन्य संबंधित वस्तुओं की प्रति इकाई कीमतों को दर्शाता है। आई या फिर हम इसको वाई के रूप में ही बताते हैं, ये उपभोक्ता की आय को व्यक्त करता है। टी उपभोक्ता की पसंद, रुचि, आदत, इन सारी चीजों को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से एक मांग फलन वस्तु की मांग और उसे प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य गणितीय या फलनिक संबंध को व्यक्त करता है। अब तीसरी अवधारणा पर बात करते हैं हम, व्यक्तिगत या जिसको हम वैयक्तिक के नाम से भी जानते हैं, इंडिविजुअल और बाजार मांग, मार्केट डिमांड की कॉन्सेप्ट। सबसे पहले बात करेंगे हम व्यक्तिगत मांग या इंडिविजुअल डिमांड। जैसा कि शब्द बता रहा है व्यक्तिगत, एक उपभोक्ता की, अर्थात एक निश्चित समय अवधि में एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु की जितनी जितनी मात्राओं की मांग की जाएगी उसे हम व्यक्तिगत मांग कहेंगे। अब एक बाजार में चूंकि एक उपभोक्ता नहीं होता है, बहुत सारे उपभोक्ता होते हैं, इसलिए यदि हम उन सारे उपभोक्ताओं की मांगी जाने वाली मात्राओं का योग कर ले तो उसे हम बाजार मांग कहते हैं। अर्थात बाजार मांग से अभिप्राय किसी निश्चित समय अवधि में दी हुई एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बाजार में समस्त उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्राओं का योग बाजार मांग कहलाता है। अब इन दोनों अवधारणाओं को समझाने के लिए हम वैयक्तिक मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल्स का उपयोग करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि एक वैयक्तिक मांग अनुसूची कैसे निर्मित की जाए। वास्तव में एक वैयक्तिक मांग अनुसूची एक निश्चित समय अवधि में एक व्यक्ति के द्वारा या एक उपभोक्ता के द्वारा उस वस्तु के विभिन्न मूल्यों पर मांगी जाने वाली मात्राओं को दर्शाती है जो कि व्यक्ति उनको खरीदने के लिए तैयार होता है। इसका निर्माण भूतकाल की प्रतिक्रियाओं और अनुभवों पर आधारित होता है। इसका तात्पर्य है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है या कम होती है तो उस समय उपभोक्ता किस प्रकार का व्यवहार दर्शाता है उसकी मांग के संबंध में, ये उसके अनुभवों या प्रतिक्रियाओं को दर्शाता है। सामान्यतः देखा गया है कि यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की मांग कम होती जाती है। इसको हम एक सारणी के द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक दो कॉलम की सारणी बनाई गई है जिसको हम व्यक्तिगत या वैयक्तिक मांग अनुसूची के नाम से जानते हैं।
इंडिविजुअल शेड्यूल, जिसमें पहले कॉलम में वस्तु की कीमत प्रति इकाई, और सामान्यतः चूंकि हम रुपए में बता रहे हैं इसको, तो रुपए में, और बस उस कीमत पर वस्तु की मांगी गई मात्रा इकाइयों में हम व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ आप टेबल में देख रहे हैं, जब वस्तु की कीमत प्रति इकाई एक रुपया होती है तो उपभोक्ता के द्वारा उस वस्तु की मांग 15 इकाई की जाती है। उसके बाद जब वस्तु की कीमत बढ़कर 2 रुपए हो जाती है तो अनुभवों और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से उपभोक्ता अब वस्तु की मांग को घटा देगा और मांग या टेबल के अनुसार घट करके 15 से 13 रह जाती है। इसी प्रकार से जब वस्तु की कीमत 3 रुपए हो जाती है तो वस्तु की मांग और घट जाती है जो कि 10 इकाई रह जाती है। इसी प्रकार से हम 4 और 5 बढ़ती हुई कीमतों पर एक उपभोक्ता की विभिन्न प्रतिक्रियाओं को दर्शा सकते हैं। ये टेबल ही एक व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाती है। अब बात करते हैं बाजार मांग अनुसूची, बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। सामान्यतया एक बाजार में बहुत सारे उपभोक्ता होते हैं या बहुत सारे क्रेता होते हैं, उनकी अलग अलग मांग होती है। यदि एक वस्तु की हम विभिन्न कीमतों पर उन सभी उपभोक्ताओं की अलग अलग मांगों का योग कर लें तो हमें बाजार मांग अनुसूची या मार्केट डिमांड शेड्यूल प्राप्त हो सकता है। यहाँ सुविधा के लिए हम बाजार में मान लेते हैं कि 3 उपभोक्ता हैं, ए, बी और सी। ऐसी स्थिति में हम जब बाजार मांग अनुसूची का निर्माण करते हैं तो हम सामान्य रूप से 5 कॉलम की एक सारणी का या टेबल का निर्माण करते हैं, जिसमें पहले कॉलम में हम लेते हैं वस्तु की प्रति इकाई कीमत रुपए में, दूसरे कॉलम में ए उपभोक्ता की मांग जिसको हम डी ए के द्वारा दर्शाते हैं, ए वो कंज्यूमर को बता रहा है, डी डिमांड का सिंबल है, दूसरे तीसरे कॉलम में बी उपभोक्ता की मांग जिसको हम डी बी के द्वारा दर्शा सकते हैं, सी उपभोक्ता की मांग जिसे हम डी सी के द्वारा दर्शा सकते हैं, और अंत में बाजार मांग डीएम जिसको मार्केट डिमांड कह रहे हैं, इसको हम डीएम इक्वल टू सूत्र रूप में लिख सकते हैं, तो डीए प्लस डीबी प्लस डीसी। इसके आधार पर हम जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है टेबल का निर्माण कर सकते हैं। पहले जब वस्तु की कीमत 1 रुपया होती है, ए उपभोक्ता उस वस्तु की मान लिया 20 इकाई की मांग करता है। उसी 1 रुपए की कीमत पर दूसरा उपभोक्ता जो कि उससे अलग व्यवहार दर्शा सकता है वो 25 इकाई की मांग करता है। तीसरा उपभोक्ता जिसको हमने सी नाम दिया है, वह सी उपभोक्ता उसी 1 रुपए कीमत पर उसी वस्तु की मांग 30 इकाई के बराबर करता है। अब हम आसानी से 1 रुपए वस्तु की कीमत होने पर बाजार मांग का मान ज्ञात कर सकते हैं। ए बी और सी उपभोक्ताओं की अलग अलग मांगों का योग कर लिया जाए जो कि 20 प्लस 25 प्लस 30 और इनका योग 75 इकाई के बराबर होगा। इसी प्रकार से वस्तु की कीमत जब 1 रुपए से बढ़कर के 2 रुपए हो जाती है तो चूंकि हम अनुभवों के आधार पर पहले भी विषय में बताया, हम जानते हैं कि इनकी मांग लगातार कम होगी, तो 2 रुपए कीमत होने पर ए उपभोक्ता 20 से घटाकर 16, बी उपभोक्ता 25 से घटाकर 20, सी उपभोक्ता 30 से घटाकर 25 इकाई कर देता है, और जब इन तीनों मांगों का योग कर लेते हैं तो जो हमें 61 इकाई प्राप्त होता है यह बाजार मांग को दर्शाता है। इसी प्रकार से आप अन्य मान भी 3, 4, 5 वस्तु की कीमत लेकर के आप अलग अलग मान रख करके और बाजार मांग का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ आप ये ध्यान दें, आपको ये आवश्यकता नहीं है कि इन मानों को आप रटें, आप अपनी स्वेच्छा से आप कोई भी मान रख करके और इसको तैयार करें और उसके आधार पर बाजार मांग ज्ञात करने का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। अब ये जो 2 सारणियां हमने देखी हैं, व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची, इन दोनों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे कि पहला, ये अन्य बातों के समान रहने की मान्यता पर आधारित है। जैसे कि हम हर नियम में जानते हैं अन्य बातें, अर्थात वो उस नियम की या उस विशेष विषय वस्तु की मान्यताओं को दर्शाती है। यहाँ भी ये मान लेते हैं हम उपभोक्ता विवेकशील है और उसकी आय, रुचि, आदत सब इस विश्लेषण अवधि में स्थिर रहती है।
दूसरा ये दोनों अनुमानित एवं काल्पनिक होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ मैंने पहले बताया कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। इसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार से मैंने ये मान लिए हैं, आप इनके स्थान पर कोई भी मान रख करके आप बाजार मांग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। नंबर तीन, इन दोनों का आपस में एक दूसरे से गहरा संबंध होता है, क्योंकि बाजार मांग अनुसूची का निर्माण व्यक्तिगत मांग अनुसूची के आधार पर ही होता है। नंबर चार, समय तत्व से दोनों पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यदि समय अवधि में परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता द्वारा की जाने वाली मांग में भी अंतर आ जाता है। अब हम बात करेंगे व्यक्तिगत और बाजार मांग वक्र की, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। वास्तव में इन दोनों का निर्माण भी व्यक्तिगत और बाजार मांग अनुसूचियों के आधार पर ही होता है। लेकिन सबसे पहले प्रश्न उठता है कि मांग वक्र क्या होता है। वास्तव में एक मांग वक्र ऐसा वक्र होता है जो कि एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी मांगे जाने वाली मात्राओं के कीमतों से संबंध को रेखा चित्र के द्वारा दर्शाता है। अर्थात यदि हम संक्षेप में कहें तो कह सकते हैं कि एक मांग अनुसूची का रेखा चित्रीय निरूपण कर दिया जाए तो जो आकृति हमें प्राप्त होगी वह मांग वक्र कहलाती है। इस आधार पर हम मांग वक्र को दो प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला वैयक्तिक या व्यक्तिगत मांग वक्र, जो कि व्यक्तिगत मांग अनुसूची के आधार पर निर्मित किया जाता है, और नंबर दो बाजार मांग वक्र, मार्केट डिमांड कर्व, जो कि बाजार मांग अनुसूची के आधार पर बनाया जा सकता है। सबसे पहला व्यक्तिगत मांग वक्र, जो हमने व्यक्तिगत मांग अनुसूची बनाई थी उसके विभिन्न मानों को हम यदि रेखा चित्र के द्वारा दर्शाएं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ओ एक्स अक्ष पर हमने वस्तु की मांग को लिया है और ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को लिया है, और जो मान उस टेबल में थे उन सारे मानों का अंकन इन दोनों अक्षों पर हमने कर दिया है। एक्स अक्ष पर आप देख रहे हैं एक एक सेमी पर लगभग आप 5, 10, 15, 5-5 के गैप पर बिंदुओं को अंकित कर सकते हैं जो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्राओं को दर्शा रहे हैं, और वाई अक्ष पर एक एक सेमी के अंतराल पर या बराबर दूरी पर आप कीमत को क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6 के द्वारा दर्शा सकते हैं। इसमें दो बिंदु मैंने इसमें अंकित किए हैं, आप सारे बिंदुओं को जो कि आपकी टेबल में है उन सारे बिंदुओं को इस पर हम अंकित कर देते हैं, और जब सारे बिंदुओं को हम आपस में मिला देते हैं तो हमें एक रेखा चित्र की आकृति प्राप्त होती है, जैसे हमने चित्र में डी डी अंकित किया है, यह मांग वक्र। इसको हम व्यक्तिगत मांग वक्र कहें या मांग वक्र कहें एक ही बात होती है, क्योंकि व्यक्तिगत मांग वक्र को ही मांग वक्र के नाम से जाना जाता है। आप ये भी देख रहे हैं कि जो व्यक्तिगत मांग वक्र है वह ऊपर से नीचे गिरता हुआ प्राप्त होता है, इसको हम ऋणात्मक ढाल वाला मांग वक्र भी कहते हैं, क्योंकि यह वस्तु की मांग और उसकी कीमत के विपरीत संबंध को बता रहा है। दूसरा बाजार मांग वक्र, इसका निर्माण हम बाजार मांग अनुसूची के आधार पर करते हैं। इसमें हम OX और OY अक्षों का पूर्व की तरह निर्माण करते हैं। OX अक्ष पर वस्तु की मांगी जाने वाली इकाइयों और Y अक्ष पर वस्तु की विभिन्न कीमतों को दर्शाते हैं। अब यहाँ पर आप मानों को अंकित करते समय ध्यान दें कि तीन जो हमारे पास बाजार मांग अनुसूची हमने बनाई है, ए उपभोक्ता के लिए, बी उपभोक्ता के लिए, सी उपभोक्ता के लिए और फिर बाजार मांग, उन सभी मानों में आप निम्नतम और अधिकतम मान को एक बार देख लें और उसके आधार पर ही आप नीचे ओ एक्स अक्ष पर विभिन्न बिंदुओं का अंकन करें। क्योंकि वस्तु की कीमत सभी के लिए एक समान है, इसलिए वहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसी प्रकार से आप अंकित कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस सारणी के अनुसार आप ए उपभोक्ता के लिए विभिन्न कीमतों पर उसकी मांगी जाने वाली मात्राओं को रेखा चित्र के द्वारा दर्शाएंगे, उनके विभिन्न बिंदुओं को अंकित करेंगे, उन बिंदुओं को जब आपस में मिला देंगे तो एक आकृति हमें जो प्राप्त होगी, पहला मांग वक्र जो रेखा चित्र के अनुसार डी ए डी ए के रूप में आपको प्राप्त होगा। ये सारे मान जैसे 1 पर 20, 2 पर 16, 3 पर 13, 4 पर 11, 5 पर 10 के आधार पर
आप इस रेखा चित्र का निर्माण कर सकते हैं। ये पहले उपभोक्ता के लिए हमारा मांग वक्र होगा। दूसरा मांग वक्र BBDV, ये उपभोक्ता जो B है हमारा, उसके द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्राओं के संबंध को दर्शाता है। जैसा कि सारणी के अनुसार आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 क्रमशः कीमतों के लिए बी उपभोक्ता की मांग क्रमशः 25, 20, 16, 13 और 11 है। इन सभी बिंदुओं को हम रेखा चित्र पर दर्शाएं तो हमें DBDB रेखा चित्र प्राप्त होगा, जो बी उपभोक्ता के मांग वक्र को बताएगा। इसी प्रकार से हम सी उपभोक्ता के लिए भी DC मांग वक्र प्राप्त कर सकते हैं। ये DA, DB और DC तीनों वैयक्तिक मांग वक्र कहलाएंगे, जो कि अलग अलग उपभोक्ताओं के मांगों को दर्शाते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि आप इनको इनकी सीधी लाइन ही प्राप्त हो, ये वक्र के रूप में भी प्राप्त हो सकते हैं और सीधी सरल रेखा के रूप में भी प्राप्त हो सकते हैं। ये निर्भर करेगा कि आपने विभिन्न मानों के बीच में अंतराल किस प्रकार का लिया है। तो आप इनका ज्यादा से ज्यादा अभ्यास अवश्य करें, तभी इनकी सही आकृति आप प्राप्त कर सकते हैं। अब चौथा जो वक्र दर्शाया गया है DMDA, यह वस्तु की विभिन्न कीमतों पर पूरे बाजार में सभी उपभोक्ताओं द्वारा की गई मांगों के योग को दर्शाया गया है। जैसा कि आप टेबल में देख रहे हैं, जब वस्तु की कीमत क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 है, उस समय बाजार मांग के मान क्रमशः 75, 61, 50, 42 और 37 है। इसमें भी स्थिति वही है कि मांग लगातार घट रही है। इन मानों को भी जब आप संगत कीमतों के अनुसार दर्शाते हैं तो आपको DM बाजार मांग वक्र प्राप्त होता है। ये भी आप देख रहे हैं कि यह बाजार मांग वक्र भी ऋणात्मक ढाल वाला और ऊपर से नीचे या बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ प्राप्त होता है। लेकिन एक विशेष बात यह है कि DM बाजार वैयक्तिक मांग वक्रों से काफी दूरी पर थोड़ा सा अलग आकृति का प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि ये इन तीनों व्यक्तिगत मांगों के योगों को दर्शाता है। इसके बाद हम ये देख सकते हैं, दूसरा मैंने जो रेखा चित्र बनाया है इसमें सरल रेखाओं के स्थान पर मांग वक्रों को एक वक्राकार आकृति में दर्शाया गया है। इसलिए मैंने पहले बताया था कि आप किस प्रकार के मानों को ले रहे हैं, उन मानों में अंतराल किस प्रकार का है, उसी प्रकार से आपको आकृति प्राप्त हो सकती है। तो दोनों में से आपको किसी भी प्रकार की आकृति देखने को मिल सकती है। अब हम व्यक्तिगत और बाजार मांग वक्र की अवधारणा को समझने के बाद बात करेंगे पूरक और स्थानापन या प्रतिस्थापन वस्तुओं के संदर्भ में मांग वक्र, डिमांड कर्व फॉर कंप्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतों से उस वस्तु विशेष की मांग पर प्रभाव पड़ता है, तो वहाँ अन्य संबंधित वस्तुएं हमने पूरक और प्रतिस्थापन या स्थानापन वस्तुओं के संबंध में देखी थी। पूरक वस्तुएं वास्तव में ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग उपभोक्ता एक साथ करता है, जैसे कि चाय और चीनी की मांग, कार और पेट्रोल की मांग, क्योंकि ये दोनों चीजें ऐसी होती हैं जिनमें एक के बिना दूसरे का काम संभव नहीं है, पेट्रोल के बिना कार का चलना संभव नहीं है। इसमें मांग वक्र जो हमारा सामान्य मांग वक्र है उसी के समान ऋणात्मक ढाल वाला प्राप्त होता है, लेकिन इस मांग वक्र में अंतर यह आ जाता है कि यहाँ पर एक वस्तु जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उस वस्तु की मांग दर्शाई जाती है, जबकि दूसरे अक्ष बाई अक्ष पर दूसरी जो संबंधित वस्तु है उसकी कीमत को दर्शाया जाता है। अर्थात उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन से जो मूल वस्तु की कीमत पर मांग पर प्रभाव पड़ रहा है उसके अध्ययन को हम इस मांग वक्र के द्वारा दर्शा रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं प्रारंभ में जब वस्तु की कीमत OP है, जो हमारी अन्य संबंधित वस्तु है उसकी कीमत OP है, उस समय उपभोक्ता द्वारा OQ मात्रा में वस्तु की मांग की जा रही है। अब जब संबंधित वस्तु की कीमत बढ़कर के OP1 हो जाती है तो उस समय आप देख रहे हैं रेखा चित्र के अनुसार उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांग घटा करके OQ1 कर दी जाती है। इसका तात्पर्य क्या है कि यदि संबंधित वस्तु की कीमत बढ़ गई
तो व्यक्ति उस दूसरी वस्तु की मांग को भी घटा देता है। जैसे हम समझे, यदि पेट्रोल की मांग बढ़ जा पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो कार की मांग पर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से जब वस्तु की कीमत ओपी से घट करके ओपी जीरो रह जाती है तो उससे संबंधित वस्तु की मांग ओक्यू से बढ़ करके ओक्यू जीरो हो जाती है। अर्थात इन दोनों वस्तुओं में से यदि एक वस्तु सस्ती होती है तो दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति पूरक वस्तुओं के संदर्भ में देखी जाती है। दूसरे नंबर पर आती है हमारी स्थानापन या प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूट वस्तुएं। ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग उपभोक्ता अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक दूसरे के स्थान पर उपभोग कर सकता है। जैसे चाय और कॉफी, अर्थात चाय की यदि आवश्यकता है और चाय उपलब्ध नहीं है तो वो कॉफी के द्वारा अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकता है। इनमें जो मांग वक्र होता है वो धनात्मक ढाल वाला नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ प्राप्त होता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं एक तरह से ये मांग नियम से अलग स्थिति को दर्शाता है। यहाँ हम देख रहे हैं रेखा चित्र के अनुसार जैसे जैसे वस्तु की कीमत जो हमारी दूसरी संबंधित वस्तु है उसकी कीमत बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारी जो मूल वस्तु है उसकी मांग बढ़ती जा रही है। प्रारंभ में जब वाई वस्तु की कीमत ओपी जीरो है उस समय एक्स वस्तु की मांग ओक्यू जीरो होती है। इसके बाद जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़कर ओपी वन हो जाती है तो एक्स वस्तु की मांग भी बढ़कर के ओक्यू वन हो जाती है। इसी प्रकार का परिवर्तन वाई वस्तु की कीमत में कमी होने पर भी देखा जाता है। जब कीमत घट करके ओपी रह जाती है तो एक्स वस्तु की मांग भी घटकर ओक्यू रह जाती है। इस प्रकार स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में महत्वपूर्ण यह होता है यदि उनमें से एक वस्तु की कीमत कम हो रही है तो दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाएगी। यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। तीसरी बात आती है वस्तुओं की मांग और आय के संबंध के बारे में। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग में क्या संबंध होता है। वास्तव में उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग में धनात्मक संबंध पाया जाता है। अर्थात जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है वैसे वैसे उसके द्वारा वस्तुओं की मांग भी बढ़ती जाती है, जिसको हमने एक रेखा चित्र के द्वारा दर्शाया है जिसमें एक्स अक्ष पर वस्तु की मांग और वाई अक्ष पर उपभोक्ता की आय को बताया है। यहाँ हम देख रहे हैं जब प्रारंभ में उपभोक्ता की आय ओ आई होती है उस समय उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांग ओ क्यू की जाती है। इसी प्रकार जब वस्तु की उपभोक्ता की आय बढ़ करके ओ आई वन हो जाती है तो उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांग ओ क्यू वन की जा रही है। इसी प्रकार जब उपभोक्ता की आय ओ आई जीरो हो जाती है तो उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांग घट करके ओ क्यू जीरो रह जाती है। इन संयोगों को हम रेखा चित्र दर्शाते हैं तो हमें जो मांग वक्र है डीडी वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ अर्थात धनात्मक ढाल वाला प्राप्त होता है। तो आप पूरक वस्तुओं, स्थानापन्न वस्तुओं और वस्तु की मांग और आय के संबंध के बारे में स्पष्टतया समझ चुके होंगे। ये सारी अवधारणाएं समझने के बाद इनका आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें और जो मान है टेबल बनाए तो टेबल में नए नए मान लेकर के इनका अभ्यास करें, रेखा चित्रों का अभ्यास करें। रेखा चित्रों में कुशलता अर्थशास्त्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। रेखा चित्रों की समझ सही विषय वस्तु को स्पष्ट करने में सहायक होती है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताएं। आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे रेगुलर आपको अपडेट्स मिलते रहें हमारी जो भी नई वीडियोज हैं। थैंक यू।